हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी, दिस इज अंशु। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम करेंगे ब्रांच अकाउंटिंग का एक कंप्लीट क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डेटर्स मेथड बताया था या डेटर सिस्टम बताया था, उसमें मैंने आपको फॉर्मेट कवर करा दिया था, तो आज इस वीडियो में उसका क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उसे देखिए, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो चैनल पर भी जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है वहां से भी आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए गाइस, आज के जो हमारा क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको जो लास्ट क्लास में मैंने आपको डेटर्स मेथड बताया था, ठीक है, तो ये जो डेटर सिस्टम है या डेटर मेथड है, इसका आप क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो कैसे आएगा वो हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, बुक में आप देखिए, मैं आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसका आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको कराया था डेटर सिस्टम, तो मैंने इसमें एक अकाउंट बनवाया था आपसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है और इसी अकाउंट से क्या होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, इसी अकाउंट से जो भी हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, पी एंड कंपनी ऑफ चेन्नई गुड्स, चेन्नई सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच एट हैदराबाद। एक पी एंड कंपनी है, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक ब्रांच है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद एट कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर देखिए दो चीजें हैं, एट कॉस्ट बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब भी हेड ऑफिस अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करता है, जब भी हेड ऑफिस क्या करेगा, अपनी ब्रांच को गुड्स सेंड करेगा, तो ये दो तरीके से कर सकता है। कैसे, एक कर सकता है एट कॉस्ट, दूसरा एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस, इसे आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इनवॉइस प्राइस या सेल प्राइस, जिसको इनवॉइस प्राइस बोलते हैं, सेल प्राइस बोलते हैं, और इसको लोडिंग प्राइस भी बोला जाता है, लोडिंग प्राइस। ठीक है, तो ये जो हेड ऑफिस है, कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, जितना उसको पड़ी वो गुड्स, जितने के वो गुड्स उससे पड़े उतने ही आगे इसने अपनी ब्रांच को दिए। बट कभी कभार होता क्या है, वो इनवॉइस प्राइस पर दे रहा है, यानी अपना प्रॉफिट उसमें इंक्लूड करके दे रहा है, यानी जितने में वो अपने कस्टमर को देता है गुड्स, ये जो हेड ऑफिस है, अगर वो आगे अपने कस्टमर को सेल करेगा, ठीक है, उतने में ही, जैसे मान लेते हैं इसको 100 रुपए की एक कॉस्ट आई गुड्स की, तो अगर ये 100 रुपए में ही दे रहा है तो इसका मतलब वो एट कॉस्ट दे रहा है। अगर 100 से ज्यादा अपना प्रॉफिट ऐड करके इनवॉइस प्राइस पर दे रहा है, यानी मान लो 120 रुपए में दे रहा है, तो कितना प्रॉफिट आ गया इसका, 20 रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट हो गया। तो इस प्रॉफिट को ऐड करके वो दे रहा है, तो वो बोला जाता है इनवॉइस प्राइस, सेल्स प्राइस या लोडिंग प्राइस। ठीक है, तो अभी हम सिंपल कॉस्ट वाला ही कर रहे हैं कि कॉस्ट में हमें कैसे अकाउंटिंग करनी है, फिर उसके बाद हम इनवॉइस प्राइस भी देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डेटर्स मेथड में, ये सब डेटर मेथड के ही अंदर है। ठीक है, बट ये अलग केस है और ये अलग केस है, तो आज हम ये वाला केस देख रहे हैं। इसमें भी होगा क्या है, सेम ऐसा ही, बट इसमें कुछ एंट्रीज और बदली जाएंगी। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला गया एक हैदराबाद ब्रांच है। ठीक है, तो हमें ब्रांच अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा, तो यहां पर क्यों ना पहली बना लें ब्रांच अकाउंट। देखिए यहां पर बना लेते हैं हैदराबाद ब्रांच अकाउंट, हैदराबाद ब्रांच अकाउंट। ठीक है, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। ये जो ब्रांच अकाउंट है, मैंने आपको फॉर्मेट इसका बनाया था, बिल्कुल फॉर्मेट के साथ ही चीजें आप करते चले जाएंगी, जैसे जैसे फॉर्मेट में लिखा हुआ था वैसे वैसे आप क्वेश्चन में से उसे देख के करते रहेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है हेड ऑफिस ने क्या करे, हेड ऑफिस क्या है, पी एंड कंपनी। ठीक है, उसने अपनी ब्रांच को सेंड करे हैदराबाद में गुड्स, किस पर, एट कॉस्ट। सबसे पहले आपको यही देखना है, कॉस्ट पर करें या इनवॉइस पर करें, तो आज हम केस कर रहे हैं कॉस्ट वाला। ठीक है, तो कॉस्ट पर करें, द ब्रांच सेल्स गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट। अब जो भी ब्रांच है वो क्रेडिट और कैश में दोनों में सेल करते हैं। ऑल द प्रोसीड्स रियलाइज्ड बाय द ब्रांच आर सेंट टू हेड ऑफिस। ये मैंने आपको बताया था, जितने भी उसकी इनकम होगी वो हेड ऑफिस को भेज देगा, और जितने भी खर्चे होंगे हेड ऑफिस उनके खर्चों के पैसे देगा। बाय द हेड ऑफिस पेटी कैश विच आर मेट बाय द ब्रांच आउट ऑफ कैश एंड द, ठीक है, बाकी ये सब ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, द ब्रांच कीप्स अ सेल्स जर्नल एंड डेटर्स लेजर ओनली, द फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन की लिस्ट चाहिए। ठीक है, अब हमें करना है ब्रांच अकाउंट बनाना है। सबसे नीचे देखिए प्रिपेयर हैदराबाद ब्रांच अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच अकाउंट हमने बना लिया, ये हमारी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस आपको गिवन है, तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं वो इधर आते हैं, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सबसे पहले किसका बैलेंस गिवन है, स्टॉक का,
यहाँ स्टॉक आ जाएगा, स्टॉक का बैलेंस गिवन है 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज, 15,000 5,000 है, ठीक है। इसके बाद देखिए स्टॉक का बैलेंस हो गया, डेटर्स का बैलेंस 3,500 रुपीज, डेटर्स का बैलेंस 3,500, आफ्टर दैट पेटी कैश आपको गिवन है 150 रुपीज, पेटी कैश, ठीक है, सिंपल है अभी तक, पेटी कैश ये आ गया 8,650 रुपीज। नेक्स्ट आपको गिवन है गुड सेंड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 40,000, यानी हेड ऑफिस ने गुड सेंड किया ड्यूरिंग द ईयर 40,000 के, तो जो भी गुड्स सेंड करते हैं वो यहां पर लिखते हैं टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। कितने का गुड सेंड किया, 40,000 का, तो यहां पर हम लिख देंगे 40,000 रुपीज। नेक्स्ट देखिए 40,000 के गुड्स हमने सेंड कर दिए, इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच 2,500, अब ब्रांच ने रिटर्न कर दिए गुड्स 2,500 रुपीज के, तो यहां पर हम करते हैं उसे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, देखिए कितने का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया 2,500 का, तो यहां पर आ जाएगा 2,500, 2,500 रुपए के गुड्स रिटर्न हो गए। नेक्स्ट देखिए कैश सेल्स आपको गिवन है 15,000, कैश सेल्स कहां आती है, रेमिटेंसेस के अंदर, बाय कैश या बैंक करके आप यहां क्या लिखते हैं, रेमिटेंसेस, ठीक है, ये जो रेमिटेंसेस है इसके अंदर आता है हमारा कैश सेल्स, कैश सेल्स, कितनी कैश सेल्स 15,000 रुपीज की, 15,000 रुपीज। नेक्स्ट जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया पढ़ते रहिए, एंट्री करते रहिए, आपको सारी चीजें पता है। कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट 33,000, कैश रिसीव्ड ऑन लेजर अकाउंट का मतलब होता है जो हमें कलेक्शन यानी एसेट से, एसेट कौन था हमारा, डेटर्स, यानी ब्रांच के जो डेटर्स है उसने आगे सेल किया होगा अपने, ठीक है, तो उसको पैसा मिल रहा है, यानी कलेक्शंस फ्रॉम डेटर्स है ये, इसका मतलब है ये है कलेक्शंस फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा कलेक्ट किया हमने, कितना 33,000 रुपीज, दोनों का टोटल करके उसे बाहर लिख दीजिए 48,000 रुपीज। आफ्टर दैट गुड्स रिटर्न बाय द डेटर 3,000, डेटर्स ने गुड्स रिटर्न किए, कैसे कहीं लिखेंगे, नहीं, बिकॉज ये सब किसका अकाउंट बना रहे हैं, ब्रांच का अकाउंट, जब ब्रांच डेटर का अकाउंट बनाएंगे हम, उसे भी धीरे धीरे समझेंगे तब यहां पर आएगा, कहीं भी मैंने आपको जो फॉर्मेट बताया उसमें कहीं पर भी लिखा था, ये नहीं लिखा था, तो इसे आप स्किप कर देंगे। इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट किसको देते हैं, डेटर्स को, तो ये भी यहां का पार्ट नहीं है, डेटर्स किस जो बैड डेब्ट है वो भी यहां पर कहीं नहीं आते ब्रांच अकाउंट में, इसे भी स्किप करिए। इसके बाद ब्रांच एक्सपेंसेस मेट बाय द हेड ऑफिस, अब जितने भी ब्रांच एक्सपेंसेस है वो हेड ऑफिस मेट कर रहा है, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं टू कैश, ठीक है, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस हैं, जितने एक्सपेंसेस दिए सारे एक्सपेंसेस लिख दीजिए। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस 5,000, सैलरी एंड वेजेस 5,000 शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप इसे कंप्लीट लिखना, सैलरी एंड वेजेस, रेंट एंड टैक्सेस 3,000, रेंट एंड टैक्सेस 3,000 रुपीज। इसके बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको दिए 1,000 एंड अदर्स 1,500, टेलीफोन 1,000 एंड अदर्स 1,500, अदर्स कितने 1,500 रुपीज के। इसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच फॉर पेटी कैश, ब्रांच ने ब्रांच को क्या करे, पेटी एक्सपेंसेस के लिए, पेटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए अलग से बना देते हैं एक पेटी कैश, ठीक है, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए क्या करा ब्रांच ने, गुड ब्रांच को गुड्स सेंड किए, गुड्स सेंड नहीं, सिर्फ क्या करा हमने, देखिए दोबारा इसे, गुड्स सेंड नहीं करे हमने, क्या करा पेटी कैश सेंड किया, किसने, हेड ऑफिस ने, अकाउंटिंग कौन कर रहा है, अकाउंटिंग हेड ऑफिस कर रहा है, हेड ऑफिस की तरह से आप सोचिए इसे, हेड ऑफिस ने पेटी कैश के लिए, पेटी एक्सपेंसेस के लिए कैश भेजा, यानी पैसे दिए आपको, आप ब्रांच हो मैंने आपको पैसे दिए, ठीक है, तो मेरा क्या है वो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस कहां आता है डेबिट साइड में, तो इसे भी आप यहीं पर लिख दिए एक्सपेंसेस के अंदर लिख दीजिए टू पेटी कैश, ठीक है, कितना कैश सेंड किया, देखिए एक बार कितना सेंड किया, 1,200 रुपए, तो यहां पर लिख देंगे 1,200 रुपए, ठीक है, यहां तक हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ठीक है, 1,200 होगा, इन सब का टोटल कर देते हैं 11,700 रुपए, 11,700 रुपए। इसके बाद देखिए रेंट एंड रेट्स हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, अदर्स हो गए, कैश सेंड टू ब्रांच हो गया। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस आपको गिवन है, क्लोजिंग बैलेंसेस की भी आपको जगह पता है, कहां आते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस, इधर आते हैं बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस नॉट बीडी इट्स सीडी कैरिड डाउन,
जितने भी आपको बैलेंसेस गिवन है, जैसे सबसे पहले स्टॉक का बैलेंस गिवन है, स्टॉक का बैलेंस लिख देंगे कितना 9000 रुपीज का। इसके बाद आपको डेटर्स का बैलेंस गिवन है एंड इसके बाद आपको कितना डेटर्स का बैलेंस 6000 का। इसके बाद पेटी कैश का बैलेंस गिवन है, पेटी कैश का बैलेंस गिवन है 100 रुपीज का, ठीक है। इसके बाद देखिए और कुछ भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है, 15100, ठीक है। इसके बाद अब हमें कुछ भी गिवन नहीं है, अब क्या करेंगे इनको सिंपली क्लोज कर देंगे। जैसे हम क्लोज करते हैं सिंपल, आप इसे क्लोज करिए, दोनों साइड का टोटल करिए, जो टोटल बड़ा है उसे दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। दोनों साइड का टोटल करेंगे, जो भी साइड बड़ी आएगी उसे दोनों साइड लिख देंगे, ठीक है। टोटल करिए, ये आएगा 65600। देखिए दोनों साइड का टोटल यहां पर ये बड़ा आ रहा है 65600। अब इस 65600 में से बाकी चीजें आप माइनस कर देंगे, बाकी चीजें आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस बचेगा, हमारे पास माइनस करने के बाद बैलेंस बचेगा 5250 रुपए का इस तरफ, ठीक है। 5250 रुपए का आपके पास बैलेंस बचेगा। ये जो 5250 रुपए है ये बैलेंस बच रहा है किस तरफ, इधर। अब मैंने आपको बताया था जब भी बैलेंस इधर बचे वो क्या है, हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये नेट प्रॉफिट है, ये जो नेट प्रॉफिट है ये कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, जनरल अकाउंट में, जनरल पीएनएल अकाउंट में 5250 रुपीस का हमें प्रॉफिट हो रहा है। कौन सी ब्रांच को, हैदराबाद ब्रांच को। तो यहां से आप कंप्लीट करेंगे डेटर्स अकाउंट। अब इसमें देखिए आगे भी हमें कुछ बोला गया है, इसमें हमें आगे बोला गया कि आपको क्या बनाना है, गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना है। तो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बना देते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। यहां तक ठीक है, बिल्कुल यहां तक बिल्कुल ठीक है, यहां तक हमारा आंसर सही है। 5250 का क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। प्रॉफिट कवर होने के बाद आपको बोला गया कि गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाइए, तो यहां पर बना देते हैं छोटा सा गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट। सिंपल है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यहां पर सिंपल टी शेप वाला अकाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब देखिए ब्रांच जो आपने लिखा है गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, वो कहां कहां लिखा है इस अकाउंट में, ये रहा। एक बार डेबिट साइड में आ रहा है तो दूसरी तरफ किस में जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय ब्रांच अकाउंट, बाय ब्रांच अकाउंट। ये क्या था हमारा 40,000। अब इधर यानी जो हम रिटर्न कर रहे थे, जो हम रिटर्न कर रहे हैं कितने का, 2500। इधर कहां है, क्रेडिट साइड में, तो दूसरे इधर का के डेबिट साइड में, टू ब्रांच अकाउंट। यहां पर आपको पूरा लिखना है टू हैदराबाद ब्रांच अकाउंट, ठीक है, 2500 रुपीज का। अब दोनों साइड, अब क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल 40,000 एंड 40,000। बैलेंस यहां बच रहा है हमारा 37,500 रुपीज का, 37,500 रुपीज का। यानी हमारे पास 40,000 रुपए हमने क्या करे थे, 40,000 का गुड सेंड किया था, 40,000 का गुड सेंड किया था, जिसमें से 2,500 रुपए का हमारे पास वापस आ गया। 40,000 रुपए का हमने गुड सेंड किया था जिसमें से 2,500 का वापस आ गया, तो बैलेंस कितना बचा, 37,500। इसे आप कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू परचेजेस या फिर परचेजेस को बोल सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसे आप वहां ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो सिंपल था ये, कुछ ऐसा था नहीं, बाकी जो मेन पूरा क्वेश्चन था वो था ये, जिसमें आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। ये तो हमने यहां से पोस्टिंग कर दी बस इसकी, ठीक है। तो आपको हमेशा डेटर सिस्टम में मेन अकाउंट, एक ही अकाउंट बनाना होता है, वो होता है हमारा हैदराबाद, जैसे यहाँ पर जो भी ब्रांच अकाउंट है वो है ब्रांच अकाउंट, इसी से आपका प्रॉफिट आएगा। तो ये क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, यही करना था इस क्वेश्चन में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस आज की क्लास जो है हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको समझ भी आ गया होगा। आगे और भी हम क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।